जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। जय श्री राधे। राधा जी के बाल स्वरूप की सेवा का जो प्रश्न है वो मेरे ध्यान में नहीं पड़ी। हम लोगों के यहाँ या बहुत जगह मैंने गोपाल जी को तो देखा है, लेकिन राधा जी का बाल स्वरूप रेयर है, बहुत कम जगह पर अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। तो राधा जी के बाल स्वरूप की उपासना कितनी वैदिक है, कितनी शास्त्रीय है, कितनी अशास्त्रीय है, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बाकी तो गोपाल जी की सेवा तो करते हैं और सिद्धांततः भगवान कृष्ण और राधा परस्पर एक ही हैं, लीला के लिए दो हैं, शक्ति शक्तिमान जैसे भी मान सकते हैं, और सदैव नित्य किशोर हैं। उनकी उपासना का जो सिस्टम है वो नित्य किशोर का ही है। अब रही गोपाल जी की बात, तो गोपाल जी की स्थिति लगभग वैसी होती है जैसे हमारे पिताजी की कोई 8 साल, 6 साल या 10 साल की फ़ोटो हो। अब 10 साल के पिताजी को तो कोई बालक देख नहीं सकता है, क्योंकि पिताजी 20 साल के होंगे, फिर बच्चा होगा, फिर वो 10-12 साल का होगा, तो अपने पिता को किसी ने भी 30-32 साल से कम तो देखा नहीं होगा। लेकिन अपने पिताजी की जैसे 8 साल की फ़ोटो भी उसको अच्छी लगती है, तो उसको पापा जी की बचपन की फ़ोटो है ये कहा जा सकता है। तो ये प्रिया जी का बचपन का स्वरूप है, ऐसे कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक सेवा उपासना है वो उनके नित्य किशोर स्वरूप की ही करनी चाहिए। अथवा जहाँ से आपको यह मार्गदर्शन मिला या जहाँ से आपको बाल स्वरूप की सेवा मिली, तो ऐसे किसी व्यक्ति से पूछनी चाहिए, या मैं भी कोशिश करूँगा कहीं ग्रंथ में मिल जाए। अन्यथा आप उनको उपासना उनकी किशोर स्वरूप की करें, बाल रूप की आप समझो। ये हमारे पिताजी की फ़ोटो, ये हमारी प्रिया जी की, हमारी राधा रानी की बचपन का विग्रह है या बचपन की फ़ोटो है। सेवा आप अपनी उसी परिपक्वता से करो। आपकी उम्र इस समय 42 साल है और पिताजी की फ़ोटो 8 साल की है, तो आप चरण स्पर्श करेंगे ही करेंगे उनके, उनको तिलक लगाएंगे ही लगाएंगे। उसी प्रकार से सारी उनकी सेवा करते रहें जब तक आपको पता नहीं चलता। इस विषय में देखना होगा, खोज करना होगा। दूसरा इसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है शालिग्राम जी का। शालिग्राम जी अनेक प्रकार के आते हैं और शालिग्राम डुप्लीकेट भी आते हैं। इनके लिए एक शालिग्राम के ऊपर पुस्तक छपी है कहीं बनारस से, वो पहले हरिनाम प्रेस में प्राप्त थी, तो उस पुस्तक में देखना चाहिए ये, क्योंकि थोड़ा मेरे विषय से हटके विषय है, तो उसमें देखना समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आप उस ग्रंथ में देखिए, उस ग्रंथ में आपको कोई ना कोई इस विषय में मिल जाएगी। और आप नेट पर, गूगल पर भी शालिग्राम डाल के देख सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जय श्री राधे, जय निताई।